everyone, hope you are good and healthy. So today we are going to make कद्दू का हलवा. ये है पम्पकिन. ये पूरी तरह से पका हुआ पम्पकिन है. येल्लो वाला पम्पकिन लिया मैंने. इसको हम कद्दूकस करेंगे. इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध. ये है कोकोनट मिल्क. आज मैं कोकोनट मिल्क से ट्राई करूंगी ये कद्दू का हलवा. ये घर की मलाई है. आधा ये 1/4 कप है चीनी. दिस इज ऑल्सो 1/4 कप जितनी रिक्वायर्ड है. और ये थोड़ा सा घी इसको फ्राई करने के लिए. सो अब हम इस कद्दू को कद्दूकस करेंगे, ग्रेट करेंगे. मैंने कद्दूकस कर लिया कद्दू. ये ऑलमोस्ट 2 से 3 कप कद्दू है हमारा. इसको हम फ्राई करेंगे. जिस तरह से हम गाजर का हलवा बनाने के लिए फ्राई करते हैं वैसे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा कच्चापन हल्का सा निकल जाए. बाकी तो दूध में पकी जाएगा ये. अब इसमें ये जो हमने दूध लिया था ये डाल दिया. ये 1 कप के करीब दूध है. अब मैं इसमें थोड़ा सा ये कोकोनट मिल्क ऐड कर दूँ और साथ ही में जितनी चीनी हमें चाहिए वो ऐड कर दूँ. अब हम इसे पकाएंगे. और आपके पास घर की मलाई है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डालो, नहीं तो कोई बात नहीं. सो ये देखो, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है दूध. इसको ऐसे ही कम सेक पे हम पकाएंगे जब तक पूरा का पूरा दूध ड्राई ना हो जाए. ये देखिए, ये उबल रहा है अच्छे से. इसको हम अच्छे से पकाएंगे कम आंच पे. मैंने बिल्कुल कम आंच की हुई है, इस पर हम पकाएंगे. ये ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है. ये देखो, ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है. नाउ वी विल कुक फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स. जब ये थोड़ा सा घी छोड़ देगा उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे. ये देखो, ये घी छोड़ दिया है इसमें. अभी हमारा हलवा रेडी है. नाउ दिस इज रेडी, कद्दू का हलवा गार्निश्ड विद द आलमंड्स, सोक्ड वंस. सो एंजॉय इट. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एवरीवन. Hope you enjoy this recipe. Thank you.